गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारी और ब्रांड न्यू वीडियो में। चैनल बननी हो तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लाइक। ये भी बोलने का दिल नहीं कर रहा और तो कुछ भी बोलने का दिल नहीं कर रहा तो सीधी बात करते हैं। सीधी बात, सीधा इंट्रो मार। मेरा नाम मजात है और मैं हूं बशीर। बदकिस्मती से तो यार टाइटल है YouTube बैन इन पाकिस्तान। Two minutes silence for those who live in Pakistan. बस हो गया हो गया। जल्दी से पहले वीडियो देखो, चैनल का लिंक, उसके बाद वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भाई। तो लाजमी countdown 3-1 and start। तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम। तो कैसे हो तुम सब लोग? तुम सब लोग सही हो सकते हो लेकिन मैं भाई साहब बिल्कुल भी सही नहीं। आज सुबह सुबह उठा और मैंने अपना व्हाट्सएप देखा तो मुझे किसी दोस्त ने पिक्चर्स भेजी हो कि भाई यूट्यूब बैन हो रहा है फलां फलां का। मैंने कहा अमी चवलिया मारा है। मैंने फिर इंस्टा खोला, ट्विटर खोला, हर जगह ही यूट्यूब बैन की बातें चल रही है। मैंने कहा ओके तो इसका मतलब ये कोई प्रैंक नहीं हो रहा, ये वाकई में सीरियस है। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें लग रहा है कि कुछ लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि लोगों में नफरत फैला रहे हैं या इस तरह का थोड़ा इस्लाम। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम ऐसा लॉ बना दो, ऐसी पॉलिसीज बना दो कि कोई भी इस तरह का कंटेंट अपलोड करेगा तो उसको भाई सीधी इतनी सजा हो जाएगी, इतना जुर्माना होगा, इतनी सजा होगी। सिंपल, कोई बनाएगा ही नहीं इस तरह की, क्योंकि एक लॉ, एक चेक एंड बैलेंस होगा। पूरा का पूरा यूट्यूब बैन, यार कोई ये फैसला कैसे ले सकता है? मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक लाइब्रेरी है जिसमें रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे ना पूरी लाइब्रेरी में 2-3 बुक्स ऐसी पड़ी हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो तुम उन 2-3 बुक्स की वजह से ना पूरी की पूरी लाइब्रेरी को आग लगा दो। आपने कुछ साल पहले बैन किया, आपको नुकसान हुआ और आप कुछ सालों बाद दोबारा से वही गलती दोहराने जा रहे हो। यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मेरी समझ से बाहर है। फिर कहते हैं पेपाल नहीं आ रहा, अमेज़न नहीं आ रहा, हम तो टेस्ला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग आ ही नहीं रहे। भाई वो कैसे आएंगे, उनका दिमाग खराब है? वो मिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को तुम कह दो नहीं यार आप जो ना आप सही नहीं हो, आपको हम बैन कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कोई मजाक हो रहा है? जब जिसका दिल किया, जो दिल किया उठ के कर दो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई यूट्यूबर्स का नुकसान हो जाएगा, यूट्यूबर्स, यार यूट्यूबर्स का तो नुकसान होगा वो बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यूट्यूबर्स का नुकसान ही होगा? तुम मुझे बताओ आजकल कौन है जो यूट्यूब पे नहीं है? पूरे के पूरे न्यूज चैनल्स जो हैं उनके चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे। एक एक दिन में 15-15, 16-16 वीडियोस अपलोड होती हैं। उन न्यूज चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनके अपने अपने चैनल्स हैं। कोई मूवी आती है तो वो हाइप क्रिएट करने के लिए ट्रेलर अपलोड करते हैं, उधर ही होता है यूट्यूब पे। उसके अलावा सिंगर्स हो गए, जितने बिलाल सईद ने अपना बारी गाना डाला यूट्यूब के ऊपर, 60-70 मिलियन व्यूज। अब यही वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल दे, आएंगे 60 मिलियन 70 मिलियन व्यूज और फिर अर्निंग भी आएगी उससे? बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जहाँ पे यूट्यूब बैन हो सकता है वहाँ पे कल इंस्टा और फेसबुक भी हो सकता है, इसकी भी क्या गारंटी है कि वो बचेंगे? और हाँ, सबसे बढ़ के नुकसान तो यूट्यूबर्स को ही होगा। मतलब ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं कि जिन्होंने 10-10 साल लगा दिए यूट्यूब पे, लिटरली 10-10 साल लगा दिए यूट्यूब पे और तुम उसके बाद यूट्यूब बैन कर दो। मैंने तो 2 साल लगाए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता है मैंने 2 सालों में कितना टाइम दिया है यूट्यूब को। मैं अपने आप को एक साइड पे कर देता हूँ, लेकिन जो 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 लोग 10-10 साल से यूट्यूब पे हैं उन्होंने अपनी जिंदगी का कितना टाइम दिया है यूट्यूब पे, और तुम YouTube बैन कर दो। फिर ये लोग कहते हैं हमारे नौजवान यहाँ से डिग्री करते हैं बाहर चले जाते हैं। भाई आप उस नौजवान को रहने दो, उसको जीने तो दो, तभी तो वो यहाँ रहेगा। मतलब आप उससे सारी फैसिलिटीज ले लो तो वो पहली फुर्सत में यहाँ से बाहर ही जाएगा और दूसरी फुर्सत में वो अपनी पूरी फैमिली को सर्विसेज भी बंद कर दो। देखो चाइना के साथ दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि जो चाइना करे आप भी वही सब कुछ कर लो। एटलीस्ट चाइना के पास अपनी एप्स तो हैं, उनके पास कुछ ऐसा तो है, वो अल्टरनेटिव एप्स तो हैं, वो यूज कर सके। हमारे पास क्या है, इस सबको भी एक साइड पे कर दो। कुछ सीख सकते, मुझे कोई मसला आता है ना मैं गूगल करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, यूट्यूब से सीख लेता हूँ। मैं बताता हूँ मैंने एडिटिंग वीडियोस एडिट करना कहाँ से सीखा, यूट्यूब से, और उन्हीं वीडियोस एडिटिंग के चक्रों में मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और मैं आज यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। और इसके अलावा कितने लोग होंगे जो यूट्यूब से क्या कुछ सीखते होंगे रोजाना, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं हम सब लोग वही जमाने जाहिलियत में रहें। YouTube पे कितने लोग पढ़ते हैं यार, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं सीधा YouTube पे जाके सर्च करता हूँ ये ऐसे ऐसे कैसे होता है। ये चाहते हैं बस तुम लोग वही पढ़ो। मिर्जा गालिब को आम पसंद थे, वो कहते थे आम हो वो मीठे हो और बहुत सारे हो। और भाई हम क्या करें, मिर्जा गालिब को आम पसंद थे बस, ठीक है ना यार, सारी जनरेशन को वही पढ़ाते रहना। अब तुमने, मैं जब कंप्यूटर की बुक पढ़ रहा था तकरीबन ये अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, MS Office का वर्जन 2017 चल रहा था तब, और हमारी बुक में क्या था 2000
3 वर्जन मेरे ख्याल से, ठीक है, और विंडो 10 लोग यूज कर करके बोर हो गए हैं, और हमारी बुक्स में अभी तक विंडो XP चल रही है। ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, ये चाहते ही नहीं है यूट्यूब से ग्रो कर रहे थे लोग, हम सब लोग बस वही जमाने जाहिलियत में रहे भाई, बजाय इसके कि तुम एक लॉ बनाओ कि भाई ये इस तरह का कंटेंट पूरे सोशल मीडिया पे, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, टिकटॉक भी, जो भी जहाँ भी जो भी ऐप है, तुम फेसबुक कहीं पे भी इस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, एक लॉ बना दो, उस पर एक सजा रख दो। आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म बैन किए जा रहे हो जैसे कुछ होता ही नहीं है, मतलब पिछले दिनों बीगो को बैन कर दिया, ठीक है, कोई वार्निंग दिए बगैर, टिकटॉक को वार्निंग दे दी, यूट्यूब को हिंट दे दिया कि भाई हम यूट्यूब को भी बैन कर देंगे, आप पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहे हो कि भाई हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तुम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें हमारा जब दिल करेगा हम बैन कर देंगे। अब यूट्यूब पे कितने सारे लोग इस तरह के हैं, ठीक है, जिनको अगर वीडियोस बनाने में मजा आता है तो वो वीडियोस बना रहे हैं, उससे पैसे कमा रहे हैं, उनका जो शौक है उसी से वो पैसे भी कमा रहे हैं, ये मतलब हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, ठीक है, और तुम यूट्यूब ही अगर बैन कर दो, इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग हैं जो मतलब छोटे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी यूट्यूबर बने, हमारे भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, इस तरह जो भी, तुम पूरे का पूरा यूट्यूब भी बैन कर दो, सालों से हैं उनकी भी मेहनत सारी जाए भाड़ में। यार अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या कर सकते हैं, मैं तो तब से कह रहा हूँ कि टिकटॉक को भी नहीं बैन होना चाहिए, जो भी है यार ये बैन वाली चीज ही कुछ भी ना बैन करो, पता नहीं क्यों नहीं समझ आता इन लोगों को कि क्या यार। बस ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, मैंने जो बातें करनी थी मैंने कर ली हैं, और मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो या कुछ भी नहीं बोलना, कुछ करो नहीं। या फिर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये 1-2 दिन तक बचेगा भी कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह सेम यार सेम। और इसी साथ वही वीडियो खत्म है यार, लिंक छोड़ो यार, लिंक को क्या करोगे, फिर भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अब आते हैं यार अपनी बात पे, मार डाला यार। पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ, फिलहाल यूट्यूब ने हिंट दिया है, मतलब इंडिया जो है उसको पास किया, मतलब एक हिंट दिया है कि हम कर सकते हैं बैन, सबसे पहली बात ये। हाँ अभी हो नहीं रहा, कंफर्म नहीं है कि मतलब बैन हो गया, ये नहीं है मतलब, नहीं तो फिर हमारी हालत ना होती, जो अभी थोड़ा बहुत आंसर है वो भी ना उससे, तो इसको छोड़े फिलहाल। फिलहाल एक हिंट दिया है जो कि मुझे कोई बेवकूफी लग रही है, पॉजिटिव एक हिंट हो, मुझे कुछ ऐसा मुझे एक बेवकूफ वाली ये बात लग रही है कि मतलब यूट्यूब ने ऐसी हिंट दी है, मतलब कि पीटीए ने बोला है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद कर देंगे, अबे कर देंगे तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो मतलब कर देंगे क्या, मतलब कर देंगे, रुको ना, मतलब हिंट दिया यार, मतलब फिलहाल वो टिकटॉक को, मतलब टिकटॉक तो बैन होने पे आया हुआ है, करीब है, तो उन्होंने भी उसका हिंट दिया था कि बंद, मतलब वो करीब है, वो तो बैन होने पे आया हुआ है। बीगो जो था वो चलो उसका बनता है यार, बीगो घटिया तरीन ऐप है, मतलब उसका बनता है बहुत बेशर्मी है उसपे, तो मतलब बहुत गंद है उसमें, तो रातों को क्या क्या चल रहा होता है वो यार, वो आप लोग समझ सकते हो, तो बीगो तो लाजमी उसको तो चलो हम भी हक में बैन करो, जो जो पब्लिक बोलती है वो करो, पब्लिक की मानो, मतलब पब्लिक अब चाहती है बंद हो बीगो टिकटॉक, कर दो वो करो, फिर भी टिकटॉक कुछ है टिकटॉकर जिनके मिलियंस में जो एंजॉय करते हैं, वो नहीं चाहते तो ना करो। हाँ यार, अब तुम्हारे बच्चे अगर छोटे हैं, वो तुम्हें अश्लील कंटेंट, तुम अगर यूट्यूब पे उनको ना यूज करने दो मोबाइल, हाँ और क्या, उनको यूट्यूब ना यूज करने दो, बातें हैं इनकी, मतलब यार अब मतलब तुम लोग यार कंटेंट को तो बच्चों को कंट्रोल रखो ना, तुम अपने बच्चों को कंट्रोल रखो, लाइब्रेरी में जिस तरह 2 किताबें गलत है इसका मतलब पूरी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी में अगर कोई मतलब टेंशन से किसी ने खुदकुशी अगर कर ली है तो क्या तुम पूरी यूनिवर्सिटी बैन कर दोगे? तो यूं तो नहीं कहते, अगर किसी को पाकिस्तान में या कहीं और जॉब इंडिया वगैरह में नहीं मिलती तो क्या आप लोग पूरे उस इदारे को बंद कर देते हो? कितने लोग हैं जो मतलब पढ़ते हैं स्टडी करते हैं यूट्यूब पे, एग्जैक्टली कितने लोग हैं यार, मतलब जो मुझे इतना मतलब अपने कॉलेज में नहीं पता लगा, मैं खुद अपनी मिसाल दे रहा हूँ जितना मैंने यूट्यूब से पता किया, बिल्कुल। और तुझे बताऊँ क्या, आज कल लोग गूगल भी इतना ज्यादा सर्च नहीं करते जितना यूट्यूब पे जाते, गूगल पे नहीं मैं करता, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। पहले मैं गेम्स खेलता था, उनमें कोई मिशन नहीं हो रहा था, तो मैं वो तक यूट्यूब पे सर्च करता था कैसे मिशन यहाँ से करने, बिल्कुल। अब तो आप लोग खुद आगे सोच लो कि अगर यहाँ पे बैन हो जाता है तो क्या हम छोटी से छोटी नॉलेज के लिए उधर जाते हैं यार, बिल्कुल। और काफी यूट्यूबर्स से इसमें बाहर निकले, वो कह रहे हैं नहीं बैन होना चाहिए, यूट्यूबर्स ने काफी आवाज उठाई है जो कि बहुत अच्छी बात है यार, मतलब फिलहाल तो पूरी उम्मीद है कि मतलब नहीं बैन करेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि यार मतलब जाहिर बात है एक
बचकाना किस्म का फैसला है। बिल्कुल, ये अनएजुकेटेड जो पीपल है ना उनका ये फैसला है कि भाई बैन। अरे सारी एजुकेशन की मालूमातें यहाँ से मिल रही हैं, तो आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस यहाँ हो रही हैं, क्या कुछ इधर नहीं हो रहा। बिल्कुल, लेक्चर्स अपलोड होते हैं बकाया, इतनी यार पूरी मूवीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे चल रही हैं, सॉन्ग्स यहाँ चल रहे हैं, कितनी चीजें खराब होंगी, कितना पीछे जाएगा और पहले पहले लगी पड़ी है। वही तो पाकिस्तान ऑलरेडी, मतलब वो यही बात बोल रहा था कि किस तरह कंपनियां आ गई यहाँ पे इन्वेस्ट करें। कल को तुम लोग बोलो तुम्हारा काम अच्छा नहीं, हम इसको बैन कर रहे हैं। तो यार ये जो पब्लिक की यूथ की जो फ्रीडम है इसको कम से कम ना जाने दो, नहीं तो स्टोन एज में तो हमने नहीं जाना ना। एग्जैक्टली, हम लोग नॉर्थ कोरिया तो बन नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया अगर चाइना, यार चाइना ने चलो बैन किया तो तुम लोग जाहिर बात है तुम हमें इस तरह ऐप दे सकते हो और उस तरह के ऊपर कॉन्टेक्ट हमें मिल सकता है। हमें सही ऐप्स तो बेशक बंद कर दो। वही ना, ऑल ओवर वो भी नहीं करना, कुछ हमारी कोई ढंग की ऐप्स नहीं है तो फिर क्यों बंद कर। वही तो, बंदा क्या बोले अब यार, कुछ बोल भी नहीं सकता है, बस अब वेट कर रहे हैं कि फैसला क्या आता है। देखो क्या होता है, मतलब उम्मीद तो है कि मतलब नहीं होगा बैन। और आप लोग भी प्रे करो, मुझे भी यार कोई 70% यकीन है कि नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब वैमी कोई फैसला होगा उन्हें भी पता है यार, अगर उन लोगों ने फैसला कर दिया ना बैन का तो यूट्यूब ने आज के बाद आना भी नहीं है। नहीं आना, और सबसे पहले यूथ आ जाएगा भाई बाहर निकल, सारा लोग बाहर निकलेंगे इस मामले में। तो मतलब सीरियसली बात, मैं आगे होऊंगा सबसे पहले। तो भाई सही बात है, तो यार अब देखें क्या होता है। मतलब तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर नहीं बोल ना करें वो भी नहीं बोलो यार। तो यार जय यार अल्लाह हाफिज़। अगर YouTube बचा तो फिर आपसे मुलाकात होती है। बाय यार, बाय।